ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बमबारी और गोलियों की दहशत से दूर भारतीयों को सूडान से भारत लाया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी की पहली उड़ान के साथ ऊना के एक परिवार की खुशियां भी लौट आई है। उनका बेटा सुरक्षित घर लौट आया है, परिवार खुश है और केंद्र सरकार का आभार जता रहा है। कहने कह जाएंगे जैसे जी हमारा बेटा घर पहुंचा है, वैसे सारे इंडियन जो हैं वो अपने घर पहुंचे हैं। इंडियन तो क्या जो भी वहां बेचारे हैं वो सब अपने घर में सकुशल पहुंचाएं, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। ये केंद्र सरकार की यानी कि मोदी है तो मुमकिन है। बस तो लड़का घर पहुंच गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात। दिल में सर हम लोग 22-23 तारीख से मतलब वैसे ही टेंशन में थे, ना तो रात को नींद, ना ही तो कोई इनको मैसेज कर सकता था, ना ही कोई इनसे बात हो रही थी, कुछ नहीं। तो उस वक्त बहुत टेंशन में थी, तो रात को नींद जाती थी कुछ नहीं, बस यही सर क्या होगा, कब आएंगे, कैसे आएंगे, बस यही चला था। सूडान से ऊना तक का सफर रोहित और दूसरे भारतीयों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जब जंग छिड़ी हो तो गोली बारूद के बीच जान की कीमत नहीं रहती। सर वापसी है, हम बस के जरिए हमने पहले पोर्ट सूडान के लिए बस ली थी, तो 800-850 किलोमीटर का फासला तय किया, 12 घंटे का सफ़र था। तो उसके बाद वहाँ पे स्टे किया पोर्ट सूडान में, 1.5 दिन वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद कागज पत्र का काम किया, उन्होंने फॉर्म वगैरह भरे। तो उसके अगले दिन नेवी वाले आए थे, नेवी वालों ने हमें वहाँ पे शिप पे बिठाया और 12 घंटे का सफ़र तय करके हमें जद्दा पोर्ट पे पहुँचाया। तो वहाँ पे फिर से उन्होंने स्कूल में रखा था, वहाँ पे मतलब सेवा पानी सब कुछ किया, खाना पीना दिया, सब कुछ किया। इंडियन स्कूल था वो वहाँ पे, तो वहाँ पे कागज पत्र काम हुआ। तो अगले दिन उन्होंने हमें सऊदी एयरलाइंस के साथ इंडिया भेज दिया। रोहित अब अपनों के बीच है, परिवार के साथ खुश है, लेकिन वो मंजर और दहशत उसे अभी याद है, जिसे डरकर उन्हें 15 दिन तक एक ही कमरे में गुजर बसर करना पड़ा था। बमबारी हो रही है, एयरफोर्स चल रही है, अगर एक का पलड़ा भारी हो तो वो बमबारी कर रहा है एयरफोर्स के साथ, अगर दूसरा अगर उसका स्टेबल आ रहा है तो वो फिर से स्टेबल के साथ घंटे घंटे दो दो घंटे बाद फायर चालू हो रहा है। अगर समझ लो आपका पलड़ा भारी हो रहा है तो वो दूसरे सामने वाला बमबारी कर रहा है एयरफोर्स, और एयरफोर्स का सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि क्या पता बम अगर कोई गलती से किसी की बिल्डिंग ऊपर गिर जाए, हमारी बिल्डिंग ऊपर गया तो सब तबाह हो जाएगा। सर खाने पीने का तो पता नहीं, भगवान की दया से हमने 15 दिन का स्टॉक पहले रख लिया था, बस उसी के सहारे चल रहे थे, पर अगर वो खत्म हो जाता तो हमें मतलब खाने पीने की बड़ी दिक्कत आने वाली थी, पर यह हमने 15-20 दिन का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था। रोहित अपनी ही तरह दूसरे भारतीयों की भी जल्द घर लौटने की दुआ कर रहे हैं। सर 3.5 साल से तो मैं उधर काम कर रहा था, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर का काम था, बस तो चल सब ठीक ठाक ही चल रहा था, पर सिचुएशन हालात ऐसे हो गए कि वहाँ से निकलना पड़ा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जिंदा वापस निकाले, क्योंकि हमने तो उम्मीद छोड़ दी, जिस हिसाब से बमबारी हो रही थी तो हमने तो छोड़ दिया था कि हम निकल पाएंगे यहाँ से, पर सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें जिंदा वहाँ से वापस निकाला। ये है बस, जो इंडिया वाले उधर लोग फंसे वो जिंदा वापस आए, बस यही है भगवान से प्रार्थना है कि सब ठीक ठाक निकल जाए। भारतीयों की हर हाल में सुरक्षा का वादा करने वाली केंद्र सरकार बिना देर की भारतीयों को युद्ध का मैदान बने सूडान से सुरक्षित वापस ला रही है। देशवासियों को अलग अलग स्तर पर सहायता भी पहुंचाई जा रही है, ताकि वो मुश्किल हालातों का मुकाबला कर अपने घर वापस लौट सके। सूरज समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।